मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक योद्धा जो आधा इंसान और आधा देवता है, उसने ड्रैगन नाम के राक्षस को मारकर पूरी इंसानियत को बचाया था। और आज वह योद्धा जिसका नाम पर्सियस होता है, वह आम इंसान की जिंदगी जीता है। हालांकि उसके पिता ज़ीउस ने उसे स्वर्ग में देवता बनने का मौका दिया था, लेकिन पर्सियस ने इनकार कर दिया और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का फैसला किया। फिर उसकी किस्मत ने उसकी पत्नी आयु को भी उसे छीन लिया, लेकिन तब भी उसने अपने पिता ज़ीउस से या किसी दूसरे देवता से कोई मदद नहीं मांगी। और अब पर्सियस का एक बेटा है और वह अपने बेटे को एक योद्धा नहीं बनाना चाहता, बल्कि वह उसे एक मछुआरा बनाना चाहता है। फिर रात को पर्सियस के पिता ज़ीउस उससे मिलने आते हैं और वह उसे बताते हैं कि इंसानों ने देवताओं को पूजना बंद कर दिया है और इसीलिए उनकी शक्तियां कम हो रही है। और जब देवताओं की शक्ति कम होती है तो उनकी सारी रचनाएं भी खत्म हो जाती है। तभी वहां पर एक हल्का सा भूकंप आता है जिससे पर्सियस समझ जाता है और कहता है कि टॉरट्रेस की दीवारें गिर रही है। तब ज़ीउस कहता है कि हाँ, और एक बार अगर टॉरट्रेस की दीवारें गिर गई तो वहां पर कैद किए गए सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे, और अगर देवताओं की शक्ति और कम हुई तो वह मरने लगेंगे, और अगर सारे देवता खत्म हो गए तो मेरे पिता क्रोनोस बाहर आ जाएंगे, और क्रोनोस बाहर आ गया तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जिस पर पर्सियस बोलता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये देवताओं की प्रॉब्लम है। तब ज़ीउस बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से मदद चाहिए और हमें एक साथ मिलकर ही उनसे मुकाबला करना होगा, तभी हमारी शक्तियाँ काम करेंगी। तब पर्सियस कहता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, और ज़ीउस यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पोसाइडन, ज़ीउस और ज़ीउस का दूसरा बेटा एरिस, ये तीनों मिलकर पाताल लोक हैडिस से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम टॉरट्रेस की दीवारें दोबारा बनाना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं ताकि वहाँ से कोई भी बाहर निकल ना सके। लेकिन हैडिस उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उन पर हमला कर देता है। तब हमें पता चलता है कि ज़ीउस का दूसरा बेटा एरिस भी हैडिस के साथ मिला हुआ है, और ये दोनों मिलकर पोसाइडन और ज़ीउस को बंदी बना लेते हैं, जिससे टॉरट्रेस की दीवार और भी कमजोर होकर गिरने लगती है। और वहाँ से दो मुंह वाला एक ड्रैगन निकलता है और वह पर्सियस के गांव पर हमला कर देता है। जब पर्सियस ये देखता है तो वह अपने बेटे को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है, लेकिन वह ड्रैगन गांव में तबाही मचाने लगता है, जिससे पर्सियस अपना तलवार निकालकर उससे लड़ने लगता है। और काफी लड़ने के बाद वह ड्रैगन को मार देता है, लेकिन वह इस लड़ाई में काफी जख्मी हो जाता है और वह अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए एक औरत के पास जाता है। तब वह औरत उससे कहती है कि दुनिया की हालात बहुत नाजुक है और तुम एक देवता के बेटे हो, इसलिए तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। तब पर्सियस कहता है कि तुम अपने मरहम पट्टी का काम करो और बाकी फैसला मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है जहां पर ज़ीउस का एक पुराना मंदिर होता है, लेकिन अब इस मंदिर में कोई भी पूजा करने नहीं आता है और इसीलिए देवताओं की शक्ति कम हो रही थी। फिर पर्सियस अपने पिता ज़ीउस का ध्यान करता है, लेकिन उसके पिता वहां पर नहीं आते क्योंकि उन्हें हैडिस ने बंदी बना लिया था। पर तभी वहां पर पोसाइडन आ जाते हैं और वह उसे बताते हैं कि हैडिस और एरिस ने क्रोनोस के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को पाताल लोक में कैद कर लिया है और अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए अब सिर्फ तुमसे ही उम्मीद बची हुई है। फिर ये सुनकर पर्सियस को बहुत दुख होता है और वह कहता है कि मैं अपने पिता को कैसे बचा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आधा देवता हूँ। जिस पर पोसाइडन कहते हैं कि तो फिर तुम्हें और एक आधे देवता की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे बेटे एजेनोर से जाकर मिलो, वह रानी एंड्रोमेडा के वहाँ कैद है और वह तुम्हें शातिर लंगड़े के पास ले जाएगा। फिर वह उसे अपने त्रिशूल भी देते हैं और कहते हैं कि अगर वह इसके लायक हो तो ये उसे दे देना। और इसके बाद पोसाइडन की मौत हो जाती है। अब पर्सियस तय करता है कि वह अपने पिता को बचाने के लिए जाएगा। फिर वह अपने उड़ने वाले घोड़े को बुलाता है और अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर वह उस घोड़े पर बैठकर रानी एंड्रोमेडा से मिलने जाता है। फिर वहां पहुंचने के बाद वह रानी एंड्रोमेडा से मिलता है और रानी एंड्रोमेडा उसे एजेनोर के पास ले जाती है, जिससे मिलकर वह उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई ज़ीउस का बेटा हूँ। तब एजेनोर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पिता ने भेजा है तो तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि वह अपने पिता से नफरत करता था। तब पर्सियस कहता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, लेकिन एजेनोर कहता है कि देवता नहीं मरते। जिस पर पर्सियस बोलता है लेकिन अब मरते हैं,
और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे शातिर लंगड़े के पास ले जाओ। और शातिर लंगड़ा वह इंसान होता है जिसने टॉर्ट्रेस का पूरा नक्शा बनाया था, और वह ही इन्हें टॉर्ट्रेस के अंदर जाने का रास्ता बता सकते हैं। उसके बाद पर्सियस, एजेनोर और रानी एंड्रोमेडा अपने कुछ सिपाहियों के साथ शातिर लंगड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एजेनोर बताता है कि वह सात समुंदर पार रहता है, इसीलिए वह सभी जहाज में बैठकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में रानी एंड्रोमेडा पर्सियस से पूछती है कि कौन है ये शातिर लंगड़ा, जिस पर पर्सियस बताता है कि वह देवता हेफेस्टस है जिन्होंने ज्यूस, पोसाइडन और हैडिस इन तीनों का अस्त्र बनाया था, और इन तीनों के अस्त्र को मिलाकर बनता है ब्रह्मास्त्र, और इसी से पहले देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। उसके बाद एजेनोर अपने पिता के अस्त्र को इस्तेमाल करके इन सब को उस आयरलैंड में ले जाता है जहां पर शातिर लंगड़ा रहता है, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि बीच में घना जंगल होता है। और जब वे इस जंगल को पार कर रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि इस जंगल में चारों तरफ फंदे लगे होते हैं। तभी एक फंदे में एजेनोर फंस जाता है और उस फंदे को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। तब पर्सियस अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, और एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ आता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। और उसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आता है जिसकी एक आँख होती है, और वह इतना बड़ा होता है कि वह चाहे तो किसी भी इंसान को अपने पैरों से कुचल सकता है, और वह पर्सियस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। फिर रानी एंड्रोमेडा भी अपने सैनिकों के साथ उस टाइटन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं होता, पर किसी तरह पर्सियस उस टाइटन को नीचे गिरा देता है और उसके छाती के ऊपर खड़ा होकर पोसाइडन का दिया हुआ त्रिशूल निकाल लेता है। तभी वहाँ पर और भी टाइटन्स आ जाते हैं, और जब वह पर्सियस के हाथ में पोसाइडन का त्रिशूल देखते हैं तो वह टाइटन्स उसके सामने झुक जाते हैं और वह एजेनोर को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद वह टाइटन्स इन सब को शातिर लंगड़े के पास ले जाते हैं, और जब शातिर लंगड़े को पता चलता है कि पोसाइडन मर चुका है और ज्यूस को उसके ही बेटे एरेस ने क्रोनोस के साथ मिलकर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया है, तो वह कहता है कि अब इस दुनिया का अंत निश्चित है। अगर एक बार क्रोनोस जाग गया तो उसके बाद इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। तब पर्सियस कहता है कि तुमने ही देवताओं का अस्त्र बनाया था और इसीलिए तुम ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हो। और शातिर लंगड़ा कहता है कि मैं भी एक देवता था, और जब मैंने हैबिस की मदद की थी तो ज्यूस ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। फिर जब रानी उससे कहती है कि आम इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि आम इंसान की अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है, तब शातिर लंगड़ा बताता है कि अगर ज्यूस उनके कैद में पाताल लोक में है तो उन्होंने उसे टॉर्ट्रेस के बिल्कुल बीचों बीच रखा है और वहाँ से क्रोनोस उसकी शक्तियाँ चूस रहा होगा। फिर दूसरी तरफ पाताल में ऐसा ही होता है और ज्यूस को पाताल में बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता है और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं जहाँ से क्रोनोस उसकी शक्तियाँ छीन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शातिर लंगड़ा बताता है कि टॉर्ट्रेस मैंने बनाया था और उसका कैद खाना भी, और ये बाहर से अंदर की तरफ बनाया गया था, लेकिन जब मैं अंदर था तो मैंने बाहर आने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया जिसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं। उसके बाद वह सब के सब टॉर्ट्रेस की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में ज्यूस को बचाना था। और जब ये टॉर्ट्रेस के बिल्कुल करीब होते हैं तभी वहाँ पर एरेस आ जाता है क्योंकि इनके साथ जो कुछ लोग होते हैं उनमें से किसी ने एरेस की पूजा की थी क्योंकि एरेस एक देवता है। फिर एरेस उन पर हमला कर देता है और उनके साथ जितने भी सैनिक होते हैं वह उन सबको मार देता है। तब पर्सियस भी एरेस का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आधा इंसान होने की वजह से उसके सामने टिक नहीं पता। और तब शातिर लंगड़ा टॉर्ट्रेस के बीचों बीच जाने वाला गुप्त दरवाजा खोल देता है। फिर एजेनोर, रानी एंड्रोमेडा और पर्सियस उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन शातिर लंगड़े को एरेस मार देता है। फिर अंदर जाने के बाद उनके पास एक नक्शा होता है, उसकी मदद से ये तीनों आगे बढ़ते हैं और टॉर्ट्रेस के अंदर दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही होती है, और अगर इन्होंने एक भी गलत कदम लिया तो वे उन दीवारों के बीच दब कर मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्यूस अपने भाई हैडिस से कहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। तब हैडिस कहता है कि किस लिए, जिस पर ज्यूस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल भेजा इसलिए
फिर हैडिस पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब ज़ियूस कहते हैं, क्योंकि जो अभी तुमने मेरे साथ किया मैंने इसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। और ये दोनों भाई अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एरिस आकर हैडिस पर हमला कर देता है। और जब वह हैडिस को मारने के लिए ज़ियूस का अस्त्र खोल रहा होता है तो ज़ियूस अपने शक्ति से उसे खुलने नहीं देते और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगा। और इस बात से हैडिस और ज़ियूस के बीच जितने भी गिले शिकवे होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। और अब हैडिस और एरिस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों खाई से बहुत नीचे गिर जाते हैं। और तब तक वहाँ पर वह तीनों भी आ जाते हैं। फिर पर्सियस अपने पिता को जलती हुई उन जंजीरों से छुड़वाने की कोशिश करता है, जिससे क्रोनोस उनकी सारी शक्ति खींच रहा होता है। और अब क्रोनोस भी बहुत शक्तिशाली हो चुका है और ज़ियूस बहुत बूढ़े दिख रहे होते हैं, क्योंकि क्रोनोस ने लगभग उनकी सारी शक्तियां छीन ली होती है। फिर पर्सियस अपने पिता को बहुत मुश्किल से उन जंजीरों से छुड़वाता है और तब तक वहाँ पर एरिस आ जाता है। फिर एरिस और उनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर हैडिस अपने भाई ज़ियूस की मदद करता है। और जब पर्सियस अपने पिता को वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है तभी एरिस हैडिस का त्रिशूल छीनकर उनकी तरफ फेंकता है और वह त्रिशूल सीधा ज़ियूस के पीठ पर आकर घुसता है। उसके बाद एरिस दोबारा उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, पर तभी ज़ियूस अपने और पोसाइडन के अस्त्र की शक्तियों से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर रानी एंड्रोमेडा की पूरी फौज होती है। और अब इन्हें क्रोनोस का और एरिस का मुकाबला करना है, लेकिन क्रोनोस को मारना इतना आसान नहीं है। ज़ियूस अब बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और वह अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने कैसे मुझे टॉर्ट्रेस से बाहर लेकर आए। जिस पर पर्सियस कहता है कि मैंने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा था। तब ज़ियूस कहते हैं कि तुम इसी शक्ति का इस्तेमाल करो और अपने बेटे के बारे में सोचो, और तुम्हें तीनों अस्त्र को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ेगा, तभी तुम क्रोनोस को हरा सकते हो। अब इनके पास दो अस्त्र तो होते हैं, लेकिन ज़ियूस का त्रिशूल अस्त्र अभी भी एरिस के पास है। इसीलिए पर्सियस अपने भाई एरिस से टेलीपैथी के जरिए बात करता है और वह बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो तुम मुझसे आकर मुकाबला करके ये साबित करो। और वह उसे एक मंदिर में आने के लिए कहता है। फिर पर्सियस वहाँ पर पहुँचता है और एरिस भी वहाँ पर आता है, लेकिन उसके साथ पर्सियस का बेटा भी होता है, जिसे देखकर पर्सियस कहता है कि उसे कुछ मत करना। तब एरिस कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारे पिता को तुम्हारे सामने छीन ले तो कैसा लगता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रोनोस भी टॉर्ट्रेस से बाहर आ चुका है और उसके साथ कई सारे शैतान भी बाहर आ चुके हैं और रानी एंड्रोमेडा की सेना और एजेनोर उनका सामना कर रहे होते हैं, लेकिन शैतानी राक्षस उन पर भारी पड़ रहे थे और क्रोनोस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और हर तरफ तबाही फैला रहा होता है। वहीं दूसरी ओर ज़ियूस के पास उसका भाई हैडिस आता है और वह उनके कान में कहता है कि भाई मैंने तुम्हें माफ किया, और वह ज़ियूस का हाथ पकड़कर अपनी आधी जीवन उन्हें दे देता है, जिससे ज़ियूस दोबारा ठीक हो जाते हैं। तब ज़ियूस कहता है कि हमें पहले की तरह मिलकर क्रोनोस का सामना करना होगा, जिस पर हैडिस कहता है कि बिना हथियार के। तब ज़ियूस कहता है कि हथियार से पहले हमारे पास शक्तियां थी। फिर वह दोनों क्रोनोस का मुकाबला करने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं और बाहर हम देखते हैं कि क्रोनोस ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये दोनों उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं और उनके पास हथियार भी नहीं है, इसीलिए वह उसे रोक नहीं पाते और इनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, जिससे ज़ियूस घायल हो जाता है। फिर वही दूसरी तरफ पर्सियस और एरिस की लड़ाई में पर्सियस जीत जाता है और वह एरिस को मार डालता है और अब वह उन तीन देवताओं के अस्त्र को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बना देता है और अपने उड़ने वाले घोड़े के पीठ पर बैठकर क्रोनोस को मारने के लिए बढ़ता है। तब क्रोनोस पर्सियस को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पर्सियस अपने घोड़े के साथ उड़ते हुए क्रोनोस के मुंह के अंदर चला जाता है और ब्रह्मास्त्र को अंदर छोड़ देता है, और तब एक जोरदार धमाका होता है जिससे फाइनली क्रोनोस की मौत हो जाती है और पर्सियस उसके अंदर से बाहर आ जाता है। उसके बाद पर्सियस अपने पिता ज़ियूस के पास जाता है। तब ज़ियूस अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे ने शक्ति दी जैसे तुमने मुझे शक्ति दी। फिर पर्सियस अपने पिता को कहता है कि शायद आपको हैडिस बचा सकते हैं,
जिस पर ज्यूस कहते हैं कि वह मुझे पहले ही अपना आखिरी जीवन दान दे चुका है और अब देवताओं का राज खत्म हुआ और किसी की कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। फिर ज्यूस अपने बेटे को कहता है कि शुक्रिया मेरे बेटे, और ये कहकर उनकी मौत हो जाती है, जिससे पर्सियस काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद हैडिस पर्सियस को कहता है कि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या पता इससे मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊँ, और हैडिस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पर्सियस अपने बेटे के पास आता है, तब उसका बेटा उससे कहता है कि चलो पापा हम घर चलते हैं, घर की बहुत याद आ रही है। लेकिन पर्सियस कहता है कि अब हम घर नहीं जा सकते। फिर वह अपने बेटे को एक तलवार देता है, लेकिन तलवार बहुत भारी होता है, जिससे पर्सियस कहता है कि क्या तुम इसके भार को संभाल पाओगे। तब उसका बेटा हेलियस उस तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है कि हाँ मैं इसका भार संभाल पाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।